हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील शर्मा, नित्या इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, देख सकते हैं मेरे पास एक मिक्सर ग्राइंडर पड़ा हुआ है, यहां पे मेरे सामने हाथ में देख रहे हैं। और ये जो मिक्सर ग्राइंडर है प्रीमियर कंपनी का है यहां पे, और इसकी डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे। तो प्रीमियर कंपनी हैवी ड्यूटी मिक्सर ग्राइंडर लिखा हुआ है, ठीक है। वाट 600 वाट का है, लिखा यहाँ पर, लिखा हुआ है वाट 600 वाट देता है। चलिए दोस्तों, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हम चाय जो है पावर दे रहे हैं मगर ये चल नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ, लेकिन मैं इसको खोल के रखा हूँ ताकि आप लोगों को इसको समझा पाएँ कि इसमें प्रॉब्लम को कैसे सही करेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो देखिए, मैं इसमें वही बंद करके मैं पावर इसमें प्लग लगा देता हूँ, ठीक है। लगा दिया और यहाँ पे ये जीरो पे है, देखिए यहाँ पे जीरो पे कर दिया हूँ क्योंकि मैं चालू करके रखा था। तो यहाँ पे देखिए, मैं घुमा रहा हूँ मगर ये चल नहीं रहा है, ये बुरी तरीके से मतलब पूरा डेड हो गया है, ये चल नहीं पा रहा है। इसमें डेट क्या है और इसमें प्रॉब्लम क्या दिखेगा और क्या दिखा रहा है, वो सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो पर नए अगर तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी पे क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है फायदा जरूर होगा। अगर आप इस तरीके का वीडियो जो है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी जो है देख सकते हैं इसको, हम इसको ऐसे कर ले, हम इसको ओपन कर लेते हैं ढक्कन को। मैं जैसे खोल के रखा था मैं बताया जैसे, तो इसको ढक्कन को साइड कर लेंगे, ठीक है। साइड करने के बाद तो यहाँ पे इसका स्विच लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो स्विच जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम अभी इसको पावर में लगा लेंगे और यहाँ पे इसका ये कनेक्शन यहाँ पे है इस तरीके का, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, अभी हम इसको पावर स्विच लगा देते हैं। तो मैं इसको पावर में इसे लगा दिया हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा है, देखिए मैं पावर में लगा दिया हूँ और स्विच को मैं चालू करता हूँ। तो चालू हो चुका है और आपको दिखा देता हूँ मैं कि पावर आ रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जल रही है, ब्लिंक हो रहा है और इसमें पावर भी आ रहा है, मगर मैं इसको घुमाऊँगा तो चलेगा नहीं। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो इसका स्विच है, और स्विच एकदम देख सकते हैं एकदम नया स्विच है, देखिए नया स्विच है, तो फिर भी नहीं चल रहा है। दोस्तों, ये स्विच जो है एक बार चेंज किया हुआ था और ये बिल्कुल न्यू स्विच है, फिर भी ये नहीं चल पा रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसे क्या करेंगे इसको और इसमें क्या सिचुएशन बनेगा। तो चलिए मैं एक बार वायर टच करके देखिए, सभी वायर पर टच करूंगा, अरे अच्छे तरीके से काम कर रहा है, यानी स्विच में ही इश्यू है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इसमें हुआ क्या कि देखिए, मैं अभी स्विच इसमें जो लगाया था कुछ महीने पहले, तो इसमें बिल्कुल ही सही था, काम कर रहा था, ठीक है। मगर ये अभी जो है काम नहीं कर रहा है, क्योंकि स्विच तो इसका सही है मगर ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, अपने को घबराना नहीं है, मैं इसलिए वीडियो जो बनाया था ताकि कुछ लोग बंदे क्या करते हैं कि नया स्विच लगाते हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं कि यार कहाँ से प्रॉब्लम हो गया, फिर उल्टा पुल्टा जो है खोल खाल के जो है चेक करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है पहले चेक करें कि अगर स्विच लगाने के बाद भी नहीं चलता है तो क्या इशू हो सकता है, तो वो चीज़ आपको देखना है, देखना होगा एक बार। तो चलिए, अभी मैं इसको मैं ऐसे बाहर निकालता हूँ, ठीक है। देखिए, हमारा बाहर निकल चुका है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको बाहर निकाल दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जो जहाँ पे लगा हुआ है हम उसी को वहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे पी लिखा हुआ है, तो देखिए ये जो स्विच है नया वाला हमारा, ये भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, कैसे है कनेक्शन। उसी तरीके से हम इसको इसमें इंसर्ट करेंगे ताकि अच्छे तरीके से काम करें। तो देखिए, ये बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है पी, तो हम इस पी वाले वायर को निकाल के हम इसके पी वाले जगह पर लगा देंगे। और दोस्तों, एक एक वायर करके आप निकालेंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी और अच्छे तरीके से जो है इसको काम कर पाएंगे, मतलब अच्छे तरीके से इसको लगा पाएंगे और कोई भी मिस्टेक होने वाली नहीं है अगर इस तरीके से आप काम करते हैं तो, इस वीडियो को देख के। तो चलिए, और अब हम इसके साइड में जो दिया गया है यहाँ पे 3 नंबर, ठीक है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये 3 नंबर जो लिखा था मैं इसको निकाल लिया, और इसके 3 नंबर में जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं इसमें लगा दूंगा, यहाँ पे 3 नंबर में, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैं, ठीक है। और इसके बगल वाले में यहाँ पे 2 नंबर है, तो मैं 2 नंबर वाले को निकाल लेता हूँ और 2 नंबर वाले को इसी जगह पे हम लगा देते हैं जो कि हमारा 2 नंबर का है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और 0, 1 0 को निकाल लेते हैं, 1 और 0 मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो ये वाला हमारा 1 पे था, 1 0 पे था, ठीक है। तो आइए हम 1 नंबर पे लगा लेते हैं इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ पे 0 लिखा था बट यहाँ पे देखिए 4 नंबर लिखा हुआ है, देखिए देखिए
यहाँ पे मैं आपको दिखाया था थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा 4 लिखा है बट यहाँ पे जो है 0 लिखा था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 लिखा है, देखिए तो इस तरीके से है। तो हम इसको इसमें लगा देते हैं, देखिए एकदम बढ़िया हो गया, एकदम लग गया टकाटक हमारा, और अभी कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसमें फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जो है हमारा जो ये वायर है हम इसमें इसको लगा लेते हैं, और इस तरीके से स्विच को हम इसमें लगाएंगे। तो इसके में जो स्क्रू लगा है ये वाला, मैं इसको पहले खोल लेता हूँ, देखिए अब खुल गया है। अब हमको अच्छी तरीके से इसमें फिट कर देना होगा, देखिए इस तरीके से हम फिट कर दिए हैं, इसमें हमारा हो चुका है। अब हम इसके पीछे से जैसे स्क्रू खोल लेते हैं वैसे ही हम इसमें टाइट कर लेंगे। यहाँ पे हम, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए इस तरीके से हम स्क्रू लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरे को बड़ा चाहिए था थोड़ा, मैं इसको लगा के देखता हूँ कि इसमें अगर वाशर, देखिए वाशर लग गया, हम इसको लगा देंगे क्योंकि ये प्रॉपर जो है टाइट नहीं हो पाएगा अगर इसको नहीं लगाते। तो ये हमारा हो चुका है अच्छे तरीके से, इसको टाइट कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए ये हमारा लग चुका, टाइट हो चुका है, और इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। और ये जो वायर निकला हुआ है ये वाला, तो ये वाला स्विच में से जो कि ओवरलोड स्विच इसको बोलते हैं, तो इसमें से इसको लगा देते हैं। ये लग चुका है, ठीक है। अभी हमारा कंप्लीट हो चुका वायरिंग। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको चालू करके यहाँ से देखेंगे कि हमारी जो मिक्सिंग मिक्सी है वो चालू हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए इस तरीके से चालू करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक बार, ये हमारा बंद हो चुका है, हम एक बार स्विच को लगा लेते हैं इसमें पावर में और इसको चालू कर लेते हैं। तो देखिए चालू हो चुका है और घुमाते हैं, देखिए हमारी मिक्सी ग्राइंडर अच्छे तरीके से काम कर रही है जैसे कि आपने देखा। तो दोस्तों वीडियो, इस वीडियो में जो है ये आपने सीखा कि जो है अगर नए स्विच लगाने के बाद भी अगर प्रॉब्लम आता है तो हमको कैसे चेक करना है और क्या करना है और किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।